के बयान ने बढ़ाया नीतीश मोदी का टेंशन। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। लगातार जो है पप्पू यादव सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी वो अपने बयान को लेकर तो कभी अपने एक्शन को लेकर, कभी वो किसी दलित के यहाँ पहुँचते हैं उनकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, तो कभी राजनीतिक मुद्दा जो है उस पर लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं। इसी बीच पप्पू यादव ने चिराग पासवान को लेकर एक फुल सपोर्ट वाला बयान जारी कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो नीतीश मोदी के लिए कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है, तो इस संदर्भ में हम बाबा से जानेंगे। बाबा के पास आज क्या कुछ है, बाबा बताइए क्या कुछ है। प्रिया, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल में कई तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ बयान ऐसे हैं जो सुर्खियों में रहते भी हैं और कई ऐसे बयान हैं जो हवा हवाई हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार जो पप्पू यादव का बयान आया है, भले ही पप्पू यादव को उनके इतना सब कुछ करने के बावजूद खुद वहां की जनता जहां से वो चुनाव हारे हैं ये कहती है कि पप्पू यादव ने सबसे ज्यादा किया है, लेकिन फिर भी हार गए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अन्य बयानों से इस बयान को थोड़ा अलग करके आप देख सकते हैं। लगातार पप्पू यादव बयान और सुर्खियों में रहते हैं, जैसा कि आप बता ही रही थी। आप पप्पू यादव छोटी बड़ी घटनाओं पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, ये एक राजनीतिक उनका अभियान भी मान के चलिए आप, और अपने आप को पूरी तरह से लाइव रखते हैं। जी, पप्पू यादव ने एक बयान दिया है, ये बयान कोई नया नहीं है, बहुत पहले से वो बयान देते आ रहे हैं कि बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो बयान देते हैं कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार और मोदी सरकार को टारगेट किया है, यानी कि केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारों को टारगेट करते हुए सबसे ज्यादा उन्होंने हमला अगर किसी पर बोला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान इस देश के प्रधान सेवक पर उनका जबरदस्त हमला हुआ है। और ये हमला यूं ही नहीं है, इस हमले के पीछे उन्होंने कई तर्क दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हरिवंश बाबू को लेकर के, हरिवंश बाबू के कंधे पर तीर रख करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अंग्रेजों का याद दिला दिया है, ये बड़ा ही चिंताजनक बात है। अब इस संदर्भ को आप सोचेंगे कि क्या है संदर्भ और फिर यहाँ चिराग पासवान कैसे आते हैं। जी बिल्कुल। तो सीधी तौर पे उन्होंने किसानों के लिए जो बिल राज्यसभा में पास हुआ है उस बिल को लेकर के स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि ये बिल कहीं ना कहीं याद दिलाती है अंग्रेजों के द्वारा बिहार के लोगों से नील की खेती कराने का। जी। और उसी गुजरात से नरेंद्र मोदी भी आते हैं जिस गुजरात से महात्मा गांधी आते थे, उन्होंने नील की खेती बंद करा करके और बिहार को अपनी कर्म भूमि बनाई। लेकिन उसी बिहार के चुनावी साल में, चुनाव के अंतिम समय में एक बिल थोप करके किसानों के लिए आत्महत्या का एक रास्ता उन्होंने खोल दिया है, और इस रास्ते का कहीं ना कहीं समर्थन करना नीतीश कुमार ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में अब वो बातें नहीं रह गई हैं जो कभी खुल करके सामने आकर के विरोध में खड़ा होते थे केंद्र सरकार के। जी। भले ही वो एनडीए में रहते हुए 15 साल से शासन में हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के हर एक मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जो बातें बिहार के हित में नहीं थी। अब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आखिर जब ये बिल आया तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सरकार एक बहुत अच्छी कीमत दे करके किसानों के उपज को खरीद लेती और तब उसके बाद जिस इच्छा से, जिस मर्जी से, जिस रेट में उसे बेचना था बेचती। लेकिन कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए ये सारा रास्ता खोला जा रहा है, क्योंकि असल में अब लोकतंत्र लोगों का तंत्र नहीं हो गया है, धन तंत्र हो गया है। जी। पप्पू यादव ने बहुत बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वो इस चीज का जम करके विरोध करेंगे, और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड पूरी तरह से समर्थन वो करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने चिराग पासवान के लिए कहा था कि चिराग पासवान में वो मादा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी। अब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितना ज्यादा विरोध वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का करते हैं, उससे ज्यादा विरोध वो नीतीश कुमार का करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार में अब बिहार के लिए कोई बात नहीं रह गई है, सिर्फ कुर्सी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। ऐसे स्थिति में उन्होंने सारी भावनाओं को, जितने भी दुराव उनके थे, सब भुला दिया है। यहां तक कि वो कभी तेजस्वी यादव के विरोध में खड़े होते थे उसको भी उन्होंने भुला दिया है, और सीधी तौर पे इस बिल के बाद से उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान का वो समर्थन करेंगे, और चिराग पासवान अगर एनडीए से निकल जाते हैं तो उनके लिए और ज्यादा खुशी होगी, लेकिन जहां जहां चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे
उनका फुल समर्थन करेंगे और चिराग पासवान को अधिक से अधिक सपोर्ट करने का वो प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं जो एनडीए से आउट होने वाली बात आपने कही है अभी, कहीं ना कहीं बीजेपी जो कल पोस्टर, बीजेपी के द्वारा जो पोस्टर लगा था, उससे एक बात क्लियर हो गया है कि जो चिराग पासवान है वो कहीं ना कहीं एनडीए से आउट होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, आप ये बातें प्रमाणिक तौर पे नहीं लेकिन सिंबॉलिक तौर पे तो नजर आ रही है। कारण कि आपने देखा होगा कि किस तरह से जब बैठकें होती हैं तो चिराग पासवान को अलग कर दिया जाता है, भाजपा और जदयू मिल करके बैठकें कर लेती हैं, दोनों दल के प्रधान आते हैं, दोनों दल के अध्यक्ष आप बैठते हैं और फैसला करके निकल जाते हैं, तो शुरू हो जाता है कि हमारे बीच में सब कुछ तय हो गया। चिराग पासवान भी एक घटक दल के मजबूत साथी हैं, जी बिल्कुल, उन्हें भुला करके इस तरह की बैठकें करना इसका मतलब है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान जो कह रहे हैं कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये बातें बिल्कुल सही है। और ऐसी स्थिति में उनका सपोर्ट हो जाना एक बहुत बड़ी बात कहता है, और वो भी बाहर के आउटसाइडर का सपोर्ट, यानी पप्पू यादव को आप नाहक नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव वो शख्स हैं जो पटना के लोगों को जब बाढ़ में घिर जाते हैं, पटना के लोग जब जल जमाव से त्रस्त हो जाते हैं तो पप्पू यादव उनके पास आते हैं। बार बार पप्पू यादव ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो सेवक के रूप में हैं, और उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया है। आप देखिए, किसी को कष्ट होता है, किसी को बीमारी होती है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी उन्होंने एक आरोग्य लोगों के इलाज के लिए अपने घर पर ही एक बहुत बड़ा होम बना रखा था, जहाँ लोग जाते थे, अलग अलग राज्यों से भी जाते थे, बिहार से तो लोग जाते ही थे, और उसके लिए भी वो लगातार करते हैं। पप्पू यादव ये सब चीज़ें करते रहते हैं, और पप्पू यादव ने अगर सपोर्ट किया है तो निश्चित रूप से ये एक मुश्किल भरा हो सकता है बीजेपी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को लेकर के तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अंग्रेजों ने नील की खेती करा करके बिहारियों का दमन शुरू किया था, बिल्कुल उसी तरह से बिहारियों के और पूरे देश के किसानों के लिए ये अभिशाप होगा। अगर ऐसा ही इतना ही ज़्यादा किसानों के प्रति सोच रखते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, तो उन्हें चाहिए कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो सरकार तय कर दे कि किसानों के धान का अगर 20 रुपया है तो 40 रुपया दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, और उस सामान को 80 रुपये में बेचे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन किसानों का धान और किसानों का जो उपज है उसकी खरीद सरकार अपने स्तर से करे, न कि अडानी और अंबानी के लोग जा करके और लोगों को गिरवी बना दें, किसान बंधुआ मजदूर बन जाए, और ये इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी होगी, जहां 80% पूरा GDP जो है, पूरा देश का स्ट्रक्चर जो है कृषि पर आधारित है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा दुखद ये जो बिल पास हुआ है, इसको लेकर के पप्पू यादव का जो समर्थन है और जो विरोध है, दोनों आपको नजर आ रहा होगा। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान को वो समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को चिंता करना चाहिए। जी हाँ, तो किसान विधेयक बिल पर जो कि पास हुआ है उस पर पप्पू यादव ने मुखर होकर बोला, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी को, नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को अंग्रेजों से तुलना कर दी है। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट भी है कि एक जो बिल जो पास हुआ है वह कहीं ना कहीं किसानों के हित में तो नहीं है। इस पर मुखर होने के बाद उन्होंने चिराग पासवान का सपोर्ट किया, जो कहीं ना कहीं एनडीए से आउट होते दिख रहे हैं चिराग पासवान, उस पर उन्होंने आके खुलकर उनका सपोर्ट किया कि वो उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे जिस भी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से उनके नेता खड़े हों, उस क्षेत्र में जाके उनका वो फुल सपोर्ट देंगे। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।